ओम शांति। बाबा हमारे जीवन को पूर्णतया डिवाइन बनाने आया है ताकि हम हीरो एक्टर बनकर इस संसार में बाबा का महान कार्य कर सकें। हमारे साथ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दो महान हस्तियां रहती हैं। शिव बाबा तो सर्वोच्च है ही, ब्रह्मा बाबा भी बहुत महान बने, हम उन्हें फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा नंबर वन आत्मा बने, इसका एक प्रमुख आधार ये है, अनेक आधार हैं, वो सबसे बड़े योगी त्यागी थे, लेकिन मैं और मेरे पन से पूरी तरह मुक्त हुए, हमें भी उन्हें फॉलो करना है। बाबा के अंदर लेस मात्र भी नहीं था कि मैं यज्ञ का मालिक हूँ या मेरे द्वारा बाबा बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, बाबा ही कर रहे हैं। मैंपन और मेरा, मेरा यज्ञ, मेरा परिवार, मैंने धन दिया, मैंने यज्ञ को स्थापित किया, इस सब से वो पूरी तरह मुक्त थे। हम भी अपने जीवन को यदि डिवाइन बनाना चाहते हैं तो पूरी तरह से स्वयं को मैं और मेरे से मुक्त कर दें। ये मैं और मेरापन गहरी जड़े मनुष्य के अंदर जमाए हुए है और जो मैं करता है वो बकरी की तरह बहुत निर्बल हो जाता है, उसकी सेवाओं में भी बल नहीं भरता, उसकी स्थिति में भी बल नहीं भरता है। तो आइए हम चेक करें हमारे अंदर कहाँ कहाँ मैंपन और मेरापन है। मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरा मकान, इस तरह के कई मेरेपन रहते हैं मनुष्य के अंदर। मैं बड़ा, मैं घर का मालिक, मैं बहुत धनवान, मैं बहुत बुद्धिमान, मैंने सेवाओं में बहुत सफलता पाई, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मेरा समाज में बहुत सम्मान है, मैं बड़ा हूँ तो मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। ये मैं और मेरा मनुष्य के मन में बहुत गहराई तक जमा रहता है और जो इन दोनों से मुक्त हो जाए वही बहुत डिवाइन होता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। तो सभी को ये बहुत अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए अनुभवों के साथ कि मेरी शक्तियों से सेवा नहीं हो रही है, बाबा की शक्तियों से हो रही है, मेरी शक्तियों से सफलता नहीं मिल रही है, बाबा की ये गिफ्ट है। हम सेवाओं में सफल इसलिए हो रहे हैं कि ईश्वरीय ज्ञान हमारे साथ है, कि परमात्मा वरदान हमारे साथ हैं और उसके द्वारा दिए गए टैलेंट्स हमारे साथ हैं, सफलता का भी वरदान उसने ही दिया है। जो इस तरह इन सभी मनोविकारों से मुक्त रहकर सेवा करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, अपनी लौकिक अलौकिक उन्नति करते हैं, वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं और जहाँ मैं और मेरा है वहीं परेशानियां हैं, वहीं व्यर्थ का प्रकोप है, वहीं मनुष्य को उदासी, निराशा, हताशा पैदा होती है। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा ही दिया हुआ है और तुझको अर्पित, जैसे बाबा ने कर दिया था मैंपन का त्याग। आई एम नथिंग बाबा, यू आर एवरीथिंग। ऐसे ही हम भी कर दें, मैं के गीत न गाएं, अपनी महिमा का गुणगान न करते रहें, बाबा बाबा। लेकिन कहीं कहीं आत्माएं बाबा का गुणगान करते हुए अपना भी गुणगान करने लगती हैं, इससे ईश्वरीय बल समाप्त हो जाता है, प्रभाव फीका पड़ जाता है, प्रत्यक्षता में देर होती है। तो आइए आज सारा दिन हम अभ्यास करें, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, जो भक्ति में गाते आए क्या लागे मेरा, अब उसका स्वरूप हमें बनना है। और आज सारा दिन बार बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, बाबा को बुलाएंगे और फील करेंगे बाप दादा अपना धाम छोड़कर नीचे हमारे पास आ गए, हमारे सिर पर हाथ रख दिया और ये फीलिंग दी, बच्चे मैं हूँ,
मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, मेरे वरदान तुम्हारे साथ हैं। तो सारा दिन बाप दादा का आह्वान करते हुए योग का परम सुख प्राप्त करेंगे। ओम शांति।